हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेद श्री टेट क्लासेस। तो आपको पता है कि यहाँ पे मैं आपको टेट हिंदी की प्रिपरेशन कराती हूँ। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारा वेदा श्री लर्निंग ऐप है उसे डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ जाके आप हमारी डेमो क्लासेस और कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आप हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर में आके विजिट कर सकते हैं जो कि है कुसुमखेड़ा हनुमान मंदिर के पास। ठीक है, चलिए आज शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आई हूँ जिसके बारे में हम लोग आज यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, वो है NCF 2005। तो आपको यह पता होना चाहिए कि NCF 2005 से आपके एक से दो क्वेश्चन या दो से तीन क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, इसलिए यह आपके लिए टॉपिक क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए कि हमारा जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा है यानी कि NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, तो इसका क्या महत्वपूर्ण है और ये क्यों बनाया गया है, किस लिए बनाया गया है, किन के लिए बनाया गया है, इन सारी ही बात चर्चा करने वाले हम इस लेक्चर में। तो आप देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं बोलूँ कि जो NCF 2005 है इसकी जो उत्पत्ति की थी, ये जो यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है इसकी जो उत्पत्ति की है वो किसने की है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है रविंद्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति नियम से। तो ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है, आपके यूटेट और सीटेट में पूछा जाता है कि यह बताइए कि NCF जो है किससे संबंधित है। तो उसमें चार ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें एक ऑप्शन आपको दिया रहेगा सभ्यता और प्रगति। इस तरीके से क्या है, एक निबंध बनाया था किन्होंने, ये है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी के एक निबंध बनाया था, उसमें ये डिपेंड करता है सभ्यता और प्रगति, यानी कि सभ्यता और प्रगति बच्चों की प्रगति को किस तरह से करना है। अब बात कर लेते हैं जो ये NCF 2005 है वो है क्या, ये जो करिकुलम, ये पूरा क्या है, करिकुलम है, यानी कि ये क्या है, एक दस्तावेज है। आप सिंपल भाषा में बोलो तो ये एक दस्तावेज है जिसके अंतर्गत बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर को किन किन चीज़ों का उपयोग करना चाहिए, किस तरह से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, वो सारी ही गाइडलाइन क्या दी हुई है, इस दस्तावेज में दी हुई है। ठीक है, ये हमारे एक तरह से NCF हम बोल सकते हैं, दस्तावेज है जिसके अंदर बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, किन तरीकों से पढ़ाया जाए और क्या पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, किस तरह से उसका करिकुलम है, मतलब पूरा एक विद्यालय, करिकुलम मतलब होता है जिसके अंतर्गत सारी ही चीज़ें सम्मिलित हो जाती हैं, तो वो कैसे पढ़ाना है इसमें ये दिया गया हुआ है। ठीक है, अब हम इसके आगे चलते हैं, इसके बात कर लेते हैं कि ये दिया किसमें है। देखो आपको पता है NCF जो है हमारी 22 भाषाओं में से ये 8वीं अनुसूची में आता है ना, हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है NCF का जिक्र किया गया है, किसमें, हमारे संविधान में, हमारे संविधान में ये 8वीं अनुसूची में इसका किया गया है, 22 भाषाएं जो है उसमें 8वीं अनुसूची है उसमें जो है NCF का जिक्र किया गया है। तो दो टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे, एक तो ये किससे, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, सभ्यता और प्रगति से, दूसरा ये हो जाएगा कि 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या किया गया है, इसके बारे में बात की गई है। ठीक है, अब तीसरा हम लोग कहेंगे कि NCF को तैयार किसने गया, बनाया किसने है। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाता है कि NCF को बनाया किसने है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर हमारे जो प्रोफेसर यशपाल जी हैं ये इनकी अध्यक्षता में बनाया गया था। ठीक है, जैसे मैंने आप लोग के लिए यहाँ पे लिख दिया है NCF को प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। ठीक है, तो अगर ये NCF को तैयार किया है, किसने तैयार किया है, यशपाल जी ने। ठीक है, प्रोफेसर यशपाल जी ने इसको क्या किया है, इसकी इनकी अध्यक्षता में इसको बनाया गया है, तो ये आप लोगों को भूलना नहीं है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल आप लोगों को याद होना चाहिए क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो धीरे धीरे करके हम सारे पढ़ेंगे कि किन किन क्वेश्चनों से पढ़ते हैं। अब देखो हमने इतना तो पढ़ लिया कि जो NCF है वो एक दस्तावेज है जिसके अंतर्गत बच्चों को क्या और कैसे पढ़ाया जाता है उसके बारे में गाइडलाइंस है। दूसरा हमने बोला कि इसकी जो उत्पत्ति है वो सभ्यता और किसकी, प्रगति, सभ्यता और प्रगति जो रविंद्रनाथ टैगोर का जो निबंध है उससे संबंधित है। तीसरा हमने ये पढ़ा कि यह हमारे 8वीं अनुसूची में आता है, जो 22 भाषाएं हैं और उसमें से हमारा जो 8वीं अनुसूची है संविधान की ये उसमें है। उसके बाद हमने कहा कि इसको तैयार किसने किया है, इसको तैयार प्रोफेसर यशपाल जी की अध्यक्षता में किया गया है। अब ये हमारे इनके बारे में हो गया, ठीक है, NCF के बारे में हो गया। NCF मतलब हो जाएगा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। कभी कभी आपसे फुल फॉर्म भी पूछ लेगा हिंदी या इंग्लिश में, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
अब यहाँ आ जाते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखो, अब हमने इतना तो पता चल गया कि कैसे बना, क्या बना, किसने बनाया, कब बना, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि इसके अंतर्गत सिद्धांत क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिद्धांतों से बहुत ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि ये बताइए कि इसका सिद्धांत क्या है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या गाइडलाइन दी गई है और क्या सिद्धांत दिए हैं। सबसे पहले हम लोग जो बोलते हैं कि ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, यानी कि NCF 2005 कहता है कि जो बच्चों को हम ज्ञान देते हैं, हमको उनको किताबी ही ज्ञान नहीं देना है, एक क्लास में बंद करके ही उनको ज्ञान नहीं देना है, उनको उनके बाहर के जीवन से भी जोड़ना है, यानी कि हमको उनके इन्वायरमेंट से भी जोड़ के रखना है ना। कभी कभी हमने, जैसे अगर हम इन्वायरमेंट सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो हमें क्लास के अंदर ना पढ़ा के अगर हम उसको बाहर फील्ड में जाके पेड़ पौधों के बारे में उनको बताएंगे, यानी कि ज्ञान को हमने बाहर के जीवन से भी जोड़ना है, ठीक है। तो ये इनका हमारा बोलता है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना स्टार। इसमें हमें आप लोगों के लिए स्टार बना देती हूँ, क्यों, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। अब अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो, अब उसके बाद है पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना है। कहने का मतलब है कि बच्चे को जब हम पढ़ाते हैं तो रटाना नहीं है, हमने बच्चे को कोई भी चीज़ क्या करनी है, रटानी नहीं है, हमने क्या करनी है, बच्चे को हर चीज़ समझानी है। जब हम समझाएंगे तभी बच्चे को समझ में आएगा, ये नहीं है कि हमने उसको रट्टू तोता बनाना है, ठीक है। रटन प्रणाली से मुक्त करना है, बच्चे को कॉन्सेप्टली उसको अच्छे से समझाना है, ठीक है। तो रटन प्रणाली यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे करके बोलोगे, अगर आपको ऐसे करना है तो बाहरी जीवन राउंड कर लो और रटन प्रणाली या राउंड कर लो, ठीक है। तो ऑप्शन में जहाँ पर भी दिखेगा इसका सिद्धांत, वहाँ पे आप टिक कर लेना। अब यहाँ पे तीसरा देखो क्या है, पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। अब ये क्यों बोल रहा है कि जो पाठ्यचर्या है, यानी कि जो करिकुलम है, वो पाठ्य पुस्तक पर बेस ना हो, यानी कि कहने का मतलब है कि पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित होकर ना पढ़ाए। आप बच्चे को पाठ्य पुस्तक से बाहर भी अपना प्रैक्टिकली कोई चीज़ बता सकते हो, कोई चीज़ पढ़ा सकते हो, ऐसा ना हो कि आपने बस चैप्टर पढ़ाए जा रहे हो, रटाए जा रहे हो, पढ़ाए जा रहे हो, तो वो हमारे NCF के खिलाफ नहीं है, ठीक है। NCF में ये बोला गया है कि बच्चे को पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, बच्चे का जो पाठ्यचर्या है। उसके बाद है विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार, ये देखो विभिन्न और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए, यानी कि जब आप क्लास में आते हो और विद्यालय, जब बच्चा क्लास में आता है और बच्चे को जब हम लोग शिक्षा देते हैं तो हमने उनको अनेक प्रकारों से, विभिन्न प्रकारों से ज्ञान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पर आप खड़े हुए और आपने लेक्चर दिया और सिर्फ लेक्चर ही दिए जा रहे हो, आप बच्चे को प्रैक्टिकल करके दिखाओ, आप बच्चे को खुद से बच्चे क्रियात्मक करके दिखाओ, यानी कि क्रियात्मक क्रिया मतलब कि आप बच्चे से खुद से करके दिखाओ, आप बच्चे से सवाल करो, प्रश्नावली करो। तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके होते हैं जिन तरीके से हम लोग बच्चे को क्या कर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं और उसको उसमें शामिल कर सकते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पर राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थियों को तैयार करना है, यानी कि NCF 2005 कहता है कि हमें बच्चों को ऐसा ज्ञान देना चाहिए जो बच्चे उसको ग्रहण करके क्या कर सके, आगे जाके राष्ट्रीय, मतलब हमारी जो राष्ट्रीय हमारी प्रतिष्ठा है, या जो हमारे हम राष्ट्र के प्रति जो हमें आस्थावान बच्चे बनाने हैं। यानी कि कैसे कि आप एक क्लास में बच्चे हैं और आपको पता है कि ये बच्चे इतने कुद्र होते हैं, मतलब इतने शरारती होते हैं कि बच्चा पंखा तोड़ देता है। अगर एक बार बताओ, अगर आज आप क्लास में बच्चा है और वो कुर्सी मेज या स्कूल की सारी चीज़ों को तोड़ रहा है, कल परसों को वो इसी तरीके से बसों में आग लगाएगा, आंदोलन करेगा, खड़ा हो जाएगा और क्या करेगा, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करेगा जो हमारे राष्ट्र की मूल्यों को क्या करेगा, हानि पहुँचाएगा। जैसे कि आज आप भी देखते हो कि बच्चे क्या करते हैं, जैसे बड़े बड़े बच्चे हैं और ये नहीं समझ पाते हैं तो क्या कर रहे हैं, कहीं बस जला रहे हैं, कहीं पर कुछ तोड़फोड़ कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, हमारे राष्ट्र की जो चीज़ें हैं उनका नुकसान हो रहा है। तो बच्चे को हम लोगों ने क्या बनाना है, आस्थावान बनाना है, यानी कि बच्चा अगर क्लास के अंदर कोई गलती करता है तो हम लोगों ने उसको हाथ के हाथ उसको क्या करना है, सुधारना है, उसके पेरेंट्स को बुला के समझाना है ताकि बच्चा आगे चल के ये गलती दोबारा से ना दोहराए, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है, तो हमें आस्थावान बनाना है, यानी कि हमें क्या बनाना है, अपने अपने देश के लिए क्या बनाने हैं, इंजीनियर बनाने हैं, डॉक्टर बनाने हैं, टीचर्स बनाने हैं, पायलट्स बनाने हैं, हमने कोई बस जलाने वाले बच्चे नहीं बनाने हैं, ठीक है। चलो उसके बाद यहाँ चल जाते हैं, NCF 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है, यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाएगा। देखो NCF 2, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि NCF 2005 का जो सूत्र है वो क्या है। देखो यहाँ पर सूत्र है बिना भार के अधिगम, अधिगम मतलब क्या होता है, सीखना, और बिना भार के यानी कि बच्चों को बस्ता होता है, जो बैग होता है बच्चों का, उसका बोझ हमने नहीं बढ़ाना है ना, हम इतना बड़ा बोझ ले रहे हैं, उनके कंधे में लाद दे रहे हैं, तो हमें शिक्षा ऐसे देनी है बिना भार के, बिना भार के, बच्चे के अंदर बिना भार के हमें शिक्षा देनी है, ठीक है। बिल्कुल बच्चे को रिलीफ करना है, ऐसा नहीं कि बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दिया, कॉपी किताबें कॉपी भर दिया है बिल्कुल, है ना, सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान भरे जा रहे हैं और समझा नहीं रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बिना भार के अधिगम होना चाहिए, बिना भार के अधिगम,
जब भी हम सिखाएंगे वो बिना भार के होना चाहिए, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए उसमें, ऐसे समझाएं कि बच्चा अच्छे से समझ पाए। तो ये NCF 2005 कहता था कि ज्ञान को बाहर के जीवन से जोड़ना है, रटन पलानी से मुक्त करना है, पाठ्य पुस्तक जो है केंद्रित ना हो, राष्ट्र के प्रति मूल्यवान बनाना है, और क्या करना है, इसको बिना भार के बच्चों को ज्ञान देना है। ठीक है, तो और जितनी भी विद्यालय में शिक्षा दी जाती है वो अनेक प्रकारों से, विभिन्न प्रकारों से दी जानी चाहिए। ठीक है, तो ये आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके प्रमुख सिद्धांत क्या है, तो आप इसे अच्छे से अपनी बुक में नोट्स करके तैयार कीजिएगा। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगी इसका अगला पार्ट लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।